तो मेरे पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आवाज़ साफ करके, कि मैं रहता हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में हज़ारों ही जगह है दोस्तों डिस्कवर एक्सप्लोर करने के लिए। यार टूरिस्ट तो आते ही रहते हैं, और टूरिस्ट आए ना आए, हम तो एक अलोन ट्रैवलर है ना, गम लेके चले हैं दिल में, और गम लेके चले, आके नम लेके चले हैं। ऐसा है कि दिल्ली में रहने के बावजूद भी मैंने दिल्ली में बहुत जगह नहीं देखी है, जो मैं अब देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। आपने चाहे 10 बार देखी हो, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ, आइए फाइंड आउट। सो जस्ट बिफोर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, ये कनॉट प्लेस जहाँ पे न्यूज़ वाला हर एक मीडिया कर्मी, आजकल टिकटॉकर बहुत फेमस है, पाए जाते हैं मतलब प्राणियों की तरह। एंड आई एम फाइंडिंग द वे थ्रू अग्रसेन की बावली, विच आई डोंट नो, बट आई नो दिस प्लेस क्वाइट। थोड़ा सा टूर यहाँ का भी कराते हैं, सुना है बड़ा बदलाव आया। और इफ यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर, डोंट एक्ट लाइक नाइस, इंस्टेड एक्ट लाइक एन एसोल, नो बडी फॉरगेट्स एसोल। वाह जी वाह, मतलब अगर आपको कुछ यादगार करना है तो आप अच्छे मत बनो, दुनिया की मारो और आप याद रहोगे। तो ग्राफिटी है, तो यहाँ फोटोशूट चल रहा है और ये ऊँची ऊँची इमारतें जहाँ पे सब जाके अपना सर मारते हैं। सो फिलहाल इंदिरा चौक से सीधा सीधा चल रहा हूँ मैं 12 खंबा रोड पे, और यहाँ से कुछ होगा 700-800 मीटर होगा, देखना है अभी। और बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ भाई, मैं अभी तक पढ़ा नहीं अग्रसेन की बावली क्या है, बाद में पढ़ूंगा और ऐड ऑन कर दूंगा, पर पहले प्रैक्टिकली देखते हैं। सो इंदिरा चौक से हम राइट हो गए हैं हेले लाइन पे, यहाँ पे द हंस होटल है। तो अगर आप मेट्रो वाली तरफ से यहाँ पे आते हैं या सीपी की तरफ से आते हैं तो आपको ये वीडियो देख के आसानी हो जाएगी, अगर आप आना चाहें तो। बाकी तो देखते हैं कि वहाँ पर जाने लायक चीज़ भी है या नहीं, मकसद जिन लोगों का मकसद वहाँ दिखे वो ज़रूर प्रवेश करें, जिनका नहीं दिखे वो वीडियो को डिसलाइक कर दें, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर हम तो अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं और आपसे बात भी चल रही है, माहौल आपको दिख ही रहा है दिल्ली का, हमेशा ही दौड़ती रहेगी जी यार, ये तो महानगरों में शुमार है। और बड़े यहाँ पर विलाज है, घर भी क्या विलाज जिसे हम कहेंगे, कोठियाँ देवी प्यो ने दा मतलब है, देखो उच्चिया उच्चिया ने मारता बट साढ़े किसी काम दी। सो फाइनली आई एम एट अग्रसेन की बावली, और जितना यहाँ पर टूरिस्ट अनजान है उतना मैं दिल्ली वाला भी अनजान हूँ, क्योंकि मैं अंदर कभी गया नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि कैमरा अलाउड है नहीं और अंदर है क्या। तो चलो आओ पहले देखते हैं, और ये माहौल है सारा, लेट्स गो इनसाइड।
विश्वास उग्रसेन और अग्रसेन की बावली। सही बात है, तस्वीर से कभी अंदाज़ा नहीं लगता, और अंदर जब आप एक बार, मैं जो फर्स्ट मेरा इंट्रैक्शन ग्लिम्स पड़ा उसका, फर्स्ट व्यू जो उसका था, वो बहुत ही बिल्कुल दिल को टच हुआ और बहुत ही एक यूनिक चीज़ लगी, और पता भी किया हमने वो क्या है। ये एक वाटर स्टोरेज के लिए पुराने सिविलाइजेशन में बनाई गई थी, और आप देख लो अभी भी वैसी की वैसी है। मेंटेनेंस तो अच्छी है, मेंटेनेंस लाइक यहाँ पे कुछ है भी नहीं, पत्थर ही हैं, और क्राउड आपने देखा किस तरह का है, यूथ है, और 70% यूथ सिर्फ सिगरेट और दारू की बातें करता है। कि मस्ट वॉच मस्ट विजिट प्लेस है, अच्छा है, और हाँ हसल के लिए अच्छा है, आपका अड्डा बन सकता है, आपका मीटिंग पॉइंट बन सकता है। थोड़ा अनसेफ भी है क्योंकि नीचे बहुत खाई टाइप है, और ऐसे डाउन जाता है स्लोप और ऐसे ऊपर जाता है, और बाकी प्योर दिल्ली वाली वाइब है, प्योर आपको मुग़ल डायनेस्टी में वो लेके जाती है। हालांकि ये हिंदू टाइप आर्किटेक्चर है, और बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। और आइए थोड़ा सा और सीपी का एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली ये मैसोनिक टेम्पल, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मैं आपको दिखाने लाया था कि जो लोग ये इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, जो जितना मैंने नेट पे पढ़ा है, ये सीक्रेट सोसाइटी थी, और क्या कहते हैं, पंच ऑफ पीपल का ग्रुप था। अब अंदर एंट्री पता नहीं कहाँ से, और देखने में तो बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है, हालांकि बाहर सिक्योरिटी बैठी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा है, तो पता नहीं होता क्या अंदर, देखते हैं किसी गेट पे बात हो सके किसी से। जनपद वाले रोड पे ही है, तो सीक्रेट वाली तो कोई बात नहीं लग रही, बाकी पर्दे के पीछे क्या होता है हमें क्या पता। सो दे आर सेइंग दैट के कार्ड बनता है 200 रुपए का, बट मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इंफॉर्मेशन, मतलब ग्रुप बनेगा तो क्या फ्री मैसनरी, तो उन्होंने कहा गेट नंबर 1 पे पता करो। तो लेट्स सी व्हाट इज़ फ्री मैसनरी, बाकी सुपरवाइजर के पास भेजा उन्होंने मेरे को, बाकी मैं पता करता हूँ, शायद यही है गेट नंबर 1। सो बेसिकली मेरे पीछे ही ये फ्री मैसनरी की लॉन है, और मैसोनिक टेम्पल्स लिखा था, और अंदर वीडियो तो उन्होंने मेरे को अपनी नहीं बनानी थी, पर मेरी एक शख्स से बात हुई जो करीबन 80 साल के थे और बहुत पुराने मेंबर थे, तो उन्होंने बताया कि, मैंने उनसे पूछा सर मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि नेट पे बातें हैं, अफवाहें हैं, तो मैं आना चाहता था, मेरा पर्पस ये है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली इट्स अ ब्रदरहुड, मतलब एक ग्रुप है, ब्रदरहुड है, और टू मेक अ गुड मैन बेटर, कि मतलब एक अच्छे इंसान को और बेहतर बनाने के लिए। तो मैंने कहा सर ये इल्यूमिनाटी और रिचुअल्स, एंटी रिचुअल्स कुछ ऐसा है, तो उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने कहा रिचुअल तो होते हैं, बट उसमें कुछ एंटाय नहीं होता, और हर धर्म हर कास्ट यहाँ पे अलाउड है। पर्सनल उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया अगर मैं मेंबर बनना चाहूँ तो, और अगर मेरे पास उनके 3 लेवल हैं, एक तो इनिशिएटिव और 2 और मैं भूल गया, तो आप फर्स्ट डिग्री 3 डिग्री मैसनरी बन सकते हैं। फर्स्ट डिग्री के, मतलब फर्स्ट डिग्री तो आपको शुरुआत में मिल जाएगा, फिर इनके इवेंट्स वगैरह अटेंड करने हैं, और यहाँ पर बेसिकली ग्रुप है, फिर रिफ्रेशमेंट वगैरह भी है, तो कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लगा। बाकी अब जो हाई फ्री मैसनरीज हैं या कुछ ऐसा होता है तो पता नहीं, बाकी वो अंकल जी बड़े पॉजिटिव थे, और क्योंकि दोस्तों वो सब धर्मों को एक साथ जोड़ रहे हैं, और किसी एक किताब को नहीं मान रहे, सबको मान रहे हैं, तो पूरे पुराने समय में, क्योंकि ये संस्था भी बहुत पुरानी है, तो पुराने समय में तो ये होता ही था कि जो थोड़ी अलग बात करे उसको लोग
गॉडलेस कह देते थे या बागी या कुछ भी कह सकते थे। तो हो सकता है इसलिए इतनी सारी अफवाहें हो, क्योंकि आप उन्हें नास्तिक कह सकते हैं बट वो सब में बिलीव करते हैं। तो स्पिरिचुअली वो बहुत रिच लगे मुझे, बाकी असलियत तो परमात्मा ही जानता है। आओ सब सो जाएं, सोने का नाम जिंदगी।